नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है यह विकल्प। सरकार एक ड्रॉप पेपर तैयार कर रही है, 21 मई तक इस पर जो है राय मांगी गई है। देश के सभी सरकारी कर्मचारी देखें और इस पर अपने विचार जरूर लिखें। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा विकल्प सरकारी कर्मचारियों को साल में 15 दिन के लिए मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है घर से काम करने का विकल्प, साल में मिलेंगे इतने दिन। तो आइए जान लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते इन दिनों देश भर में कई ऑफिस बंद हैं। सरकारी ऑफिस में भी काफ़ी कम संख्या में स्टाफ काम पर पहुंच रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाला स्टाफ ऑफिस आ रहा है। कई प्राइवेट ऑफिसों में इन दिनों वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही स्टाफ काम कर रहे हैं। इस बीच अब सरकारी ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उनसे घर से काम कराने के विकल्प पर विचार कर रही है। 15 दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकार ने वर्क फ्रॉम को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट मिल सकती है। सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे। ऑनलाइन होंगे ज़्यादातर काम। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ई ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं। इसके अलावा 57 मंत्रालय अपने 80% काम इसी पोर्टल के जरिए कर रहे हैं। डॉप्ट यानी DOPT ने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा है कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी जब VPN नंबर दिए जाएं जिससे कि वो एक सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स को देख सकें। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ उप सचिव और बड़े अधिकारियों को ही दी जाती थी। 21 मई तक मांगी गई है राय। ड्रॉप्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिम्बर्समेंट पर भी विचार किया गया है। जो लोग भी घर से काम करेंगे उन्हें फ़ोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC से कहा गया कि वो ध्यान रखे कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा भी देगी। 21 मई तक सारे डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया। दोस्तों, सरकार की इस योजना पर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।